स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर मेरे YouTube चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं ना गाइस, इस सत बरवा का ही डेकोरेशन है, जिनका डेकोरेशन सालू टेंट हाउस सत बरवा है। अगर इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना गाइस, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, ओम प्रकाश गुप्ता ऑफिशियल सतबरवा के नाम से चैनल है। ये जो डेकोरेशन है सालू टेंट हाउस सतबरवा, सस्ता भी सबसे अच्छा भी, एक बार विजिट जरूर करें। आज हम लोगों का जो वीडियो है ना, वीडियो स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा का वीडियो है। हिंदू धर्म में यह पर्व लोक आस्था के महापर्व से भी माना जाता है गाइस। कहा जाता है ना गाइस, छठ पूजा 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाई खाई से होती है, इसके बाद दूसरे दिन खरना होती है, तीसरे दिन संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले किसने छठ पूजा का व्रत किया था? नहीं है पता तो आप वीडियो में बने रहे, आपको पता चले जाएगा। इस सतबरवा राम घाट का मंदिर जो आप कही है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा का व्रत भगवान श्री राम और माता सीता ने किया था। आप देख रहे हैं ना गाइस, जी ओम प्रकाश गुप्ता है, इनका भी चैनल यूट्यूब में है, जिनका नाम है चैनल का ओम प्रकाश गुप्ता ऑफिशियल सतबरवा। छठ पूजा का इतिहास रामायण काल यानी त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी और माता सीता जब 14 साल वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तब राम जी ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करवाया था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता मां ने सबसे पहले छठ पूजा किया था, जिसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जब राम के साथ वनवास पर थी। इसके बाद ही लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।